सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आरएमके व्लॉग्स। कैसे हो मेरे भाई? मैं तो बहुत बढ़िया भाई। आज का सुना कंटेंट बहुत सेक्सी है, ऐसा क्या है? तो भाई होने वाला है मस्टैंग जीटी हमारे पास। मस्टैंग जीटी, तो आज क्या क्या देखोगे? सिनेमैटिक्स? सिनेमैटिक्स तो हमेशा का ही सीन है। और तुम्हारा भाई फाइनली आज वापस आ चुका है। और आज है 9th of February, तुम्हारे भाई का बर्थडे मंथ। जिसको नहीं पता है तो बता ही देता हूँ, 26 February को मेरा बर्थडे है। जिसको विश करना होगा कर सकता है, इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, ये है मेरी आईडी, फॉलो कर लो जल्दी से जल्दी। रोज स्टोरी डालता है तुम्हारा भाई। और पहले की वीडियो पे रिस्पॉन्स इतना तगड़ा भयंकर, मतलब सोचा भी नहीं था कि 9000 क्रॉस हो जाएंगे व्यूज। 9000 बहुत होते हैं। बढ़िया पेट्रोल भराते हैं जल्दी पहले। चलो सो गाइज, आपको मेरे पीछे मस्टैंग दिख रही होगी। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 2:38 का मीटअप था और हम लोग 3 बजे से यहाँ खड़े हैं। और थोड़ा सा भाई जी लेट हो गए हैं। और ब्यूटी आपको दिख ही रही होगी मेरे पीछे, और इसके बीरोल्स आप इंजॉय करना अभी। और सीरियसली यार, स्पीचलेस। और कोई इतनी सेक्सी चीज़ है ना यार, सेक्सी मशीन है, दिल आ गया मस्टैंग जेटी। तुम्हारे क्या व्यूज है इस कार के बारे में? स्पीचलेस, येलो, प्यार हो गया ना। प्यार, इससे नजर किसकी हटेगी। सही बात है। तो चलो चलो, अभी तुम हो वीएवी विशाल अंफल व्लॉग्स के साथ, तो मेरा चैनल भी देख लेना दोस्तों। और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं आरएम के, बहुत मेहनत कर रहे हैं सिनेमैटिक्स लेने में इसकी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और देहरादून के लौंडे तो तबाही मचाई है बिल्कुल। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक बात और बोली थी, काफी टाइम पहले ना मैं वहाँ पे था क्रॉस रोड मॉल के पास, और मैंने आपको ही देखा था वहाँ। आप तब शायद से Z800 पे थे। ओके। और तब मैं क्या बोलते कोचिंग से आ रहा था, तब मैंने सोचा था ये, तब मतलब इतना नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, तब मैंने सोचा ये राइडर है। और उस टाइम सोचा था मतलब हाँ पास ज़्यादा फोटो खिंचवानी। और आज का टाइम है कि भैया के साथ ही व्लॉग। देखो भाई, मेहनत है, आप मेहनत करते हो, हम मेहनत करते हैं, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। और गाइज मैं ये कहता हूँ, इस मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करिए, सपोर्ट करिए, और यार सपोर्ट करते रहिए बस, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए देते रहे, है ना। मस्टैंग का इंटीरियर इतना मस्त है ना, आपको दिख रहा होगा, बीरोल आप देख रहे हो यार, एंजॉय कर रहे होगे। तो सारा सीन तो सेट है, लेकिन विशाल भैया आप बताओ, आप इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो और कंटिन्यूस क्यों नहीं कर रहे हो यूट्यूब? देखो यार, मुझे ना अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता, मैं क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ। तो व्लॉग जब भी आएंगे हमेशा इंटरेस्टिंग आएंगे। आजकल MBA की प्रिपरेशन चल रही है, इसलिए थोड़ा सा लेट आ रहा है। लेकिन आरएम के भाई, मुझे याद है जब 6000 सब्सक्राइबर पर मेरा पहला मीटअप हुआ था देहरादून क्लब में, जो KTM देहरादून में स्पॉन्सर किया था। वहाँ भाई स्केच बना के लाए थे मेरे लिए, और अभी तक मैंने लेमिनेट करा के अपने घर पर रखा है। जब कोई मुझसे कनेक्ट हो जाता है ना, मैं उसे कभी नहीं भूलता हूँ। एक वो टाइम था 6000 सब्सक्राइबर, और आज भैया 30,000 सब्सक्राइबर। लॉट मोर टू कम गाइस, लॉट मोर टू कम। आपको नहीं पता रातों रात आप चमक सकते हो, बस यही है कि मेहनत। शुरुआत है अभी, तो अभी तो तबाही मचानी है, आगे ही है तबाही। एक कार के ओनर फोटोज खींच रहे, और एक विशाल भैया से मैं फोटोज खिंचवा रहा हूँ, यही सीन। सो गाइज, मुझे आप लोगों का एक ओपिनियन चाहिए, क्या है मुझे अपने हेलमेट पे करवाना चाहिए, और एंटॉर्क कैसी मॉडिफाई करवानी चाहिए। और बाय द वे, ये एंटॉर्क है मेलो राइडर की, आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, जाके यूट्यूब पे चेक कर लेना। मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ लगवाने का, सेक्सी तो बनानी है अपनी एंटॉर्क।
तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द बी रोल्स, बहुत अच्छे सिनेमेटिक्स लिए हैं भाई ने, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो द प्राउड ओनर ऑफ द मस्टैंग GT इज अभय राज त्यागी, डिस्क्रिप्शन में नाम मिल जाएगा आपको। सो कैसा रहा भाई शूट आज का, मजा आया? आज का शूट तो बहुत ही महंगा, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन जितना मतलब की थी ना उससे तो लेवल तो सोच ही नहीं सकते, लेवल वर्ड ही कम है यार। तो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बस अपना प्यार देना और बाय बाय गाइस, सी यू सून।